ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई सुमित कुमार सिंह वेलकम ऑल ऑफ यू इन मगध पुत्र यूपीएससी यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो कह सकते हैं कि हम लोग इस क्लास में, इस वीडियो में द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में पढ़ें। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को हम आगे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, तो उसी समकक्ष में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जैसे बहुत पहले 1857 की क्रांति होती है, उससे भी पहले कई एक पीजेंट रिवोल्ट्स वगैरह होते हैं, फिर धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ता है, जोर पकड़ता है, उसमें कांग्रेस का गठन होता है, उसके बाद कांग्रेस की अपनी एक डिमांड धीरे धीरे बढ़ते जाती है, धीरे धीरे कह सकते हैं कि लिटरेसी और कह सकते हैं अवेकनिंग, राष्ट्र के प्रति जागरूकता तमाम लोगों में पनपती है, राष्ट्र प्रेम जो है धीरे धीरे और उबाल पे आता है। और ठीक उसी प्रकार इसको देखते हुए लोग धीरे धीरे पढ़ लिख रहे थे, शिक्षित हो रहे थे, तो उन्हें रोजगार की आवश्यकता भी पड़ी, तो तमाम लोगों ने और जितने भी कांग्रेस के लोग थे उस सरकार के समकक्ष में अपने कुछ डिमांड रखे कि हमें ये मिलनी चाहिए, जैसे काउंसिल में सीट बढ़ाना हो और फिर इंडियंस को हर एक जॉब में, चाहे एक क्लास का जॉब हो, उन तमाम चीज़ों में जैसे इंडियन की सहभागिता हो या इंडिया भी उसमें शामिल हो सके, जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह हो गए उस समय के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज को भी लगा कि अभी इस समय रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शांत है, तो थोड़ी बहुत जो कह सकते हैं ना कैरोट और स्टिक की जो पॉलिसी थी कि थोड़ा कैरोट दो, थोड़ा ऊपर से डंडा मारो, इन द सेंस कि आप कुछ दो ताकि फिर मामला शांत हो जाए और शांति बनी रहे और हम अपनी शासन व्यवस्था, मतलब अंग्रेजों की जो अंपायर है, उसे सुचारू रूप से चलाते रहे। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसके इंपॉर्टेंट फीचर, प्रोविजंस और इसके आने के कारण, इसके जितने भी कह सकते हैं उस वक्त के मेंबर्स थे कांग्रेस के या फिर अदर भी मेंबर, उनका डिमांड, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर देखो, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, आखिर संविधान में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? तो द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1861 जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, और जो भी देशवासी थे उसे सेटिस्फैक्टरली जो है वो वर्क कर रहा था, मतलब संतुष्ट करने में सक्षम सिद्ध था जो भी इस देश के नागरिक थे, जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट जो आया था 1861 में। इज डेट क्लियर? बट द ग्रोथ ऑफ नेशनल कंसेंसस, जिस प्रकार से राष्ट्र प्रेम का उदय हो रहा था, राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो रही थी, लोग जो है अब देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अधिक सजग हो रहे थे, तो धीरे धीरे जो है इसको देखते हुए उनके इंटरेस्ट भी जो है बढ़ने लगे, उनकी मांगे भी, डिमांड भी, एस्पायरेशन, महत्वाकांक्षा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, उनकी डेस्टिनी भी अब सिर्फ सरकारी जॉब नहीं बल्कि राष्ट्र की स्वतंत्रता हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, राइट टू इक्वलिटी हो गई, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे जो है नेशनल अवेकनिंग और नेशनल कंसेंसस को कह सकते हैं कि जागृति फैलने के बाद जब राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, तो इसको देखते हुए फिर अपनी डिमांड को भी बढ़ाने लगे, अपनी मांग को भी बढ़ाने लगे। देन आफ्टर कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर कांग्रेस के द्वारा जो है एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसमें कि वो डिमांड करती है कि जो भी सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें जो सीटें हैं उसे बढ़ाया जाए, ताकि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके फंक्शंस, उनके कार्य को इनलार्ज किया जा सके और वह उसमें पार्टिसिपेट होके राष्ट्र के आम लोगों की जो बातें हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उन्हें वह रिप्रेजेंट कर सके, वह लोगों के सामने रख सके कि भाई देखिए यह लोगों की समस्या है, हम जो है उस जो संसद है उस वक्त की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, अभी का जो पार्लियामेंट है, वहाँ जाके वो अपनी आवाज़ को उठा सके और कह सके कि लोगों की ये मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर आप जो है विशेष जो है फोकस करें। आगे लॉर्ड डफरीन, ठीक है, लॉर्ड डफरीन जो है गवर्नर जनरल उस वक्त के थे, लॉर्ड डफरीन, ठीक है, तो
इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्थापना हुई थी उस वक्त लॉर्ड डफरीन कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर के जो इंडिया के शासन की बागडोर है वो लॉर्ड डफरीन के हाथों में थी। तो परस्यूड विद द गवर्नमेंट एट लंडन इनलार्जिंग साइज एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ लंदन कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश एम्पायर को परस्यू करने का प्रयास किया कि आप जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंशियल काउंसिल है, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल जो काउंसिल है इसके फंक्शंस, इसके मेंबर्स को अब इनलार्ज करें, इसके साइज को इनलार्ज करें, ताकि बहुत सारे इंडियंस के जो एस्पायरेशन है उसे भी एक्यूमुलेट किया जा सके, उसमें सम्मिलित किया जा सके, उसे भी एसिमिलेट किया जा सके। तो ये चीज़ें थी, नो प्रेशर फ्रॉम द मासेस। हालांकि जो मास है, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उसके द्वारा कोई प्रेशर नहीं था, और ना ही कोई रिवोल्यूशनरी, मतलब जो क्रांतिकारी जैसे होते थे ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनका एक क्रांतिकारी कदम था, जो अंग्रेजों से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, भगत सिंह हो गए, जो भी थे रिवोल्यूशनरी इन नेचर, मतलब जो अंग्रेजों से लड़कर, उनको पीट कर, उनको मार कर जो है सत्ता हासिल करने का, मतलब एक होता ना कि अपना कह सकते कि वीर विरंगना है, जैसे झांसी की रानी हो, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे। कांग्रेस जो है पिटीशन और प्रेयर की फॉर्मूला अपनाती थी। जो मॉडरेट विंग था वो पिटीशन एंड प्रेयर के थ्रू चलता था, और जो एक्सट्रीमिस्ट विंग था वो मौका मिले तो अंग्रेजों को देने में भी नहीं चूकते थे। ठीक है, तो ऐसा कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था उस वक्त टू ओवर थ्रो द राज, ताकि ब्रिटिश एम्पायर के राज को हटाकर फेंकने की, कोई ऐसी उस वक्त का कोई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं था, मतलब मामला शांत था। अंग्रेजों को लगा कि चलो इसको कुछ कैरोट दे देते हैं, मतलब कुछ दे देते हैं ताकि यह भी खुश हो जाए। द गवर्नमेंट व्यू द डिमांड ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, तो जितने भी शिक्षित वर्ग थे उस वक्त के एजुकेटेड इंडियंस, विद अ सस्पिशन एंड डिनाइड दैट दे इन एनी वे रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया। वह जो है जितने भी शिक्षित वर्ग थे उन्हें सस्पिशन, संदेहास्पद नजरिए से सरकार उसे देखती थी, और सरकार को लगता था कि किसी भी मायने में ये जो शिक्षित वर्ग है वो इंडियन के रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि के तौर पे नहीं देखे जा सकते, समझे। अंग्रेजों को लगता था सॉरी, अंग्रेजों को लगता था कि ये जो एजुकेटेड जितने जितने मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास के लोग आ रहे हैं पढ़ लिख के, दे जेन्युइनली नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन लोअर क्लास या फिर इंडियन मिडिल क्लास या इंडियन मासस। कहने का मतलब, इस आधार पे वह कोई भी अधिकार या कोई भी चीजें मानने के लिए जल्दी अंग्रेज राजी नहीं होते थे, वो डिनाई करते थे। आगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनिशियली रिकॉग्नाइज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरुआत शुरुआत में तो, क्योंकि ए ओ ह्यूम के द्वारा, जो कि एक अंग्रेज ही था, उसके द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो शुरुआत में भारत सरकार ने कांग्रेस को तो मान्यता दे दी, सभी लोग मालूम है, लेकिन रियलाइज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वाज इनिमिकल टू इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीय भावना का, राष्ट्र प्रेम का उदय हो रहा था कांग्रेस के मेंबर्स में, या जितने भी कांग्रेस के लोग थे, ठीक है, उस वक्त कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस वो एक मूवमेंट, एक आंदोलन था। कांग्रेस का मतलब होता है संगठित करना, ठीक है। तो उस समय, उस कार्यकाल में जैसे जैसे राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र प्रेम की भावना का उदय होने लगा, उसके बाद जो है यह ब्रिटिश को चुभने लगा। ब्रिटिश को अब लगा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी सत्ता जो है अधिक दिनों तक बरकरार नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो डिमांड ऑफ दीज नेशनलिस्ट, इंडिया शुड बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। कहने का मतलब, स्वाभाविक सी बात है, जितने भी भारतीय होंगे और भारत के लोग होंगे, उनकी यही इच्छा होगी कि अगर भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो सरकार है, वो भारतीय लोगों के पक्ष में शासन करे। कहने का मतलब, इंडिया से जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो ब्रिटेन चला जाता,
वो ब्रिटेन सरकार अपने जब चाहे तो अपने लोगों पे खर्च करती थी, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा कि सर्वविदित है कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जितने भी कॉटेज इंडस्ट्री, जितने भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जितने भी चाहे सीप वगैरह बनाने की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, सब के सबको सत्यानाश कर दिया। तो एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, दूसरी तरफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो इंडिया से जितना पैसा वगैरह कलेक्ट करके जाया करता था वो सब ब्रिटेन में इन्वेस्ट होता था, इंडियन लोगों और इंडियन पीपल पे वो उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। तो इसको देखते हुए जितने भी नेशनलिस्ट उस वक्त थे, राष्ट्रवादी या राष्ट्रप्रेमी, उन्होंने कहा कि इंडिया शुड रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। जो इंडिया का रूल होना चाहिए, मतलब जो भारत पे अभी वर्तमान में शासन कर रहा है, वो भारत के लोगों के लिए शासन करे। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो तो विदेशी है, वो तो हमें गुलाम बनाए हैं, वैसा क्यों करे। लेकिन ये डिमांड थे उस वक्त के राष्ट्रप्रेमियों की, यह मांग थी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टू सेफ गार्ड एंड फर्दर ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट। जो ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट था उस वक्त का, उसे सेफ गार्ड करना उसका कार्य था, ना कि भारत के इंटरेस्टों को देखना। अगर भारत का इंटरेस्ट को देखती तो वो ब्रिटिश ब्रिटिश ना होता। भाई ब्रिटिश आया ही इसलिए था ताकि वो अधिक से अधिक यहाँ से मुनाफा कमा सके, अधिक से अधिक अपने लोगों को रिच बना सके। वो भारत के हितों की रक्षा के लिए यहाँ आक्रमण किया था, ऐसा तो था नहीं। वो आक्रमण ही इसलिए किया था ताकि वो अधिक से अधिक लूट खटोस कर सके। आप लंदन म्यूजियम जाइए, लंदन म्यूजियम में सिर्फ नाम का वो लंदन है, आपको सारा का सारा चीज़ वहाँ भारतीय, चाहे आर्टिक्राफ्ट हो, जितने भी हिस्टोरिकल आर्टिक्राफ्ट वगैरह हो गए, अच्छे अच्छे मूर्ति वगैरह, सब भारत से चुरा चुरा के। इटली का म्यूजियम जाइए, खैर इटली की महारानी जो यहाँ बैठी है उनका भी कुछ योगदान होगा वहाँ चीज़ें भेजने में, खैर वो एक विवाद। या कभी जब भी बड़ा आप अगर इतिहास में रुचि रखते हैं, या आपको कभी लंदन म्यूजियम घूमने का मौका मिले, वहाँ जरूर देखना जाए कितने इंडियन से रिलेटेड लंदन के म्यूजियम में आप सोच सकते हैं इंडियन की एक प्रकार से कह सकते हैं कितना वो लूटा गया था उस वक्त, उस कार्यकाल में। एक एक ऐसी मूर्तियाँ हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स जो ब्रिटिश वगैरह नहीं बनाते, जितने शिल्प कला भारत के मंदिरों में मिल जाएंगे, किसी भी गिरजाघर गुरुद्वारा या किसी भी अन्य मंदिर मस्जिदों में आपको नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ इंडियन इंडियन कह सकते हैं, इंडियन में एक छोटा कारीगर भी अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश नीडेड टू इनलार्ज बेसिस फॉर देयर सपोर्ट। लेकिन ब्रिटिश को सपोर्ट की भी जरूरत थी ताकि वह भारत में अधिक दिनों तक शासन व्यवस्था कायम रख सके और शासन व्यवस्था चला सके, ठीक है। इसलिए उसको सपोर्ट की जरूरत थी, और इस सपोर्ट को वह इनलार्ज करना चाहता था, उसे बढ़ाना चाहता था ताकि अधिक दिनों तक अपनी शासन व्यवस्था और जो है भारतीयों को गुलाम बनाए रख सके। तो इंडिया बाय सेटिस्फाइंग द एस्पिरेशन ऑफ द इंडियंस, और वो तभी होगा जब एजुकेटेड क्लास के इंडियंस को और उसकी महत्वाकांक्षा को अगर ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा उसे सेटिस्फाई कर दिया जाता, उसे संतुष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी था कि इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, मतलब कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता थी इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, संवैधानिक प्रक्रियाओं में, संवैधानिक संरचनाओं में कुछ मूलभूत कुछ अधिकार देकर, कुछ मेंबर ऑफ काउंसिल को कह सकते हैं इंक्रीज करके, इनलार्ज करके, मतलब कहने का मोर और लेस बस ये है कि कुछ कैरोट देकर, स्टिक तो बाद में मारेंगे लेकिन कैरोट और स्टिक की जो फॉर्मूला है कुछ देकर उसे, उसका मन बहला दो, उसे खुश कर दो बस, ताकि वो फिर से एजिटेशन और आंदोलन ना करें। तो ऑब्जेक्टिव डेट न्यू इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज पास्ट इन 1892, और इसी को देखते हुए जो है नए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को पारित किया गया। द मेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अब इस एक्ट के प्रमुख या इंपॉर्टेंट जो कुछ प्रोविजंस थे, जो अनुच्छेद थे, उसके बारे में हम लोग अब जानने का प्रयास करें। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज एन अमेंडिंग एक्ट, एक प्रकार से यह संशोधन का एक्ट था। जो एक्ट पहले से एक्ट ऑफ 1861, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861 जो पारित किया गया था,
इसी में कुछ अमेंडमेंट करके, इसमें कुछ संशोधन ला के फिर से गवर्नमेंट ऑफ या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पारित कर दिया गया। मतलब 30 सालों के बाद फिर से कुछ लालच या कुछ कैरोट देकर इंडियंस को खुश कर दिया गया। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो थे उसे सेम रखे गए, उसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है उसमें रूपांतरण कर जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को पारित कर दिया गया। टू टाइप ऑफ चेंजेस, दो प्रकार के प्रमुख जो चेंज किए गए थे, जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो इस प्रकार से हैं। पहला है चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। जो लेजिस्लेटिव बॉडी के कंपोजिशन, जो उसकी संरचना थी, ठीक है, उसमें बदलाव किया गया। उसके बाद है इनलार्जमेंट ऑफ द फंक्शंस, और जो उसके कार्य थे, जो कार्य प्रणाली थी, उनको भी इनलार्ज किया गया, उन्हें भी बढ़ाया गया। आगे नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स, और जो एडिशनल मेंबर थे ना, ठीक है, एडिशनल मेंबर थे ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड। जो सेंट्रल, एक तो लेजिस्लेटिव बॉडी होती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होता था, ठीक है, तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर्स के संख्या को भी, जो एडिशनल मेंबर होते थे, उसे भी बढ़ाया गया टू नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 16। मतलब 10 से जो है कम ना हो और 16 से अधिक ना हो। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैक्सिमम 16, मिनिमम 10 रखा गया, ठीक है। आगे है नॉट लेस देन हाफ बट टू बी नॉन ऑफिशियल। लेकिन एक शर्त रखी गई कि आधे से कम कभी भी नॉन ऑफिशियल्स मेंबर नहीं हो। कहने का मतलब है अंग्रेज बहुत चतुर निकले हैं, चतुराई से काम लिए कि भाई इंडियंस को तो शामिल कर दो, ये ठीक है, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर होंगे, जो उसमें इंडियंस के मेंबर होंगे जिसमें ऑफिसर्स नहीं होंगे, उसकी संख्या आधे से कम रखी जाए, ताकि कोई भी प्रस्ताव, कोई भी बिल को पारित करने में अंग्रेजों को आसानी हो, ठीक है। ये कह सकते हैं ना, एक प्रकार से अंग्रेज अपनी चाल चला। एंड होप दैट द इलेक्शंस माइट बी इंट्रोड्यूस, और ऐसी आशा रखी गई कि आने वाले समय में चुनाव को इंट्रोड्यूस कर दे। आगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसमें 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो जो रिटायर मतलब ऑफिसर्स ही होते थे, मतलब एक्स ऑफिसर मेंबर थे, उनकी उसमें संख्या होती थी। एंड द गवर्नर जनरल एंड 6 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और 6 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के होते थे वो होते थे। एंड द कमांडर इन चीफ होते थे एंड हेड ऑफ द प्रोविंस होते थे, विच द काउंसिल मेट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल और पंजाब, साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल और पंजाब के भी इसमें सम्मिलित होते थे। एंड 6 एडिशनल मेंबर, अब 6 जो है एडिशनल मेंबर थे एंड 10 नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, 6 एडिशनल मेंबर और 10 जो है नॉन ऑफिशियल्स मेंबर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सम्मिलित किए गए, जो कि एक थे बंगाल से, दूसरा बम्बई से, तीसरा मद्रास एंड द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से, एक एक मेंबर्स उसमें रखे गए थे। आगे है लेजिस्लेटिव काउंसिल वर क्रिएटेड इन पंजाब एंड बर्मा। इसके साथ साथ जो पंजाब को एक मिनी प्रोविंस के तौर पे देखा जाने लगा, और यहाँ भी जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बर्मा में भी लेजिस्लेटिव, जो अभी म्यांमार है, ठीक है, उधर पूरा का पूरा म्यांमार, थाईलैंड, पूरा का पूरा जो है अंग्रेजों का ही शासन होता था उस वक्त में, तो वो सभी कह सकते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही एडमिनिस्टर किया जाता था, तो उस वक्त तो उसे बर्मा कहा जाता था। तो वन मेंबर वॉज अपॉइंटेड एज एन रिकमेंडेशन ऑफ कोलकाता चेंबर ऑफ कॉमर्स। उस वक्त कोलकाता का बहुत महत्व था, आज भी महत्व है, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि उस कभी जो है कोलकाता देश की राजधानी भी रही थी, इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंस है। आज जैसे बम्बई जो कह सकते हैं इकोनॉमिकल और फिनेंशियल कैपिटल है ना भारत का, उसी प्रकार का भी कलकत्ता भी जो है एक प्रकार से फिनेंशियल कैपिटल हुआ करती थी। तो कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, इससे भी एक मेंबर्स को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और इंक्लूड किया गया।
The members occupied seat on legislative councils not as a representative of specific bodies, but as a nominees of Governor General. देखिए, जो भी members legislative council में जो है participate करते थे ना, वो कोई representative के तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर नहीं आते थे, बल्कि as a nominees of Governor General. बल्कि एक प्रकार से नॉमिनी के तौर पर, जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा जो है वह नॉमिनेट किए जाते थे. आज भी देखोगे आप तो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, कुछ मेंबर्स लेजिस्लेटिव कह सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो रेस्ट वेयर नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स मेंबर, और कुछ जो मेंबर्स थे वो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर भी नॉमिनेट की जाते थे. द ऑफिशियल्स मेंबर टुगेदर विद द एक्स ऑफिशियल मेंबर कंस्टिट्यूटेड एंड ऑफिशियल मेजोरिटी. मैंने पहले ही बताया कि जो अंग्रेजों की संख्या इसमें होती थी, एक्स ऑफिशियो और ऑफिशियो, इसमें मेजोरिटी में रखा जाता था, और इंडियंस की जो संख्या थी उसे माइनॉरिटी में रखा जाता था, ताकि कोई भी बिल को पारित कराने में आसानी हो. तो नॉन ऑफिशियल मेंबर और ऑफिशियल मेंबर दोनों मिला के जो है हमेशा अंग्रेज जो है मेजोरिटी में रहते थे. सिमिलर चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस इन द कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. और ये समान चेंजेस, जो चेंजेस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया, जो उस वक्त के प्रोविंसेस थे, बंगाल हो गए, मद्रास हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, या पंजाब वगैरह हो गए, बर्मा हो गया, इसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ भी सिमिलर चेंजेस को इंट्रोड्यूस किए, बदलाव लाए गए. एंड मेंबर्स वेर अलाउड टू डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक प्रकार से बजट कर सकते, ठीक, उस वक्त का बजट. मेंबर्स को यह अधिकार दिए गए, जितने भी उसमें मेंबर्स थे, चाहे ऑफिशियल्स हो, नॉन ऑफिशियल्स हो या इंडियंस हो, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि आप अगर चाहें तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो वार्षिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस होता था, टेबल होता था, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वोट डालने का अभी भी अधिकार नहीं दिया गया था. जैसे अभी बजट पारित होता है ना, नहीं, उस वक्त की ऐसी प्रक्रिया नहीं थी. और होती भी, अगर होती भी, मतलब पॉसिबिलिटी मान लो आगे जाकर दिया गया, तो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर अभी भी जो कि अंग्रेजों के प्रतिनिधि होते हैं वो मेजोरिटी में है, इंडियंस तो अभी भी माइनॉरिटी में है. ठीक है, आगे अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट. मेंबर्स कुड ओनली प्रेजेंट देयर ऑब्जर्वेशन. जो उस वक्त के इंडियंस मेंबर थे, या कोई भी मेंबर्स, चाहे अंग्रेज के मेंबर्स हो या इंडियंस हो, सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने विचार उस बजट पे रख सकते थे. ठीक है, वो अपने विचार रख सकते थे कि बजट अच्छा है, खराब है, इसमें क्या संशोधन होने चाहिए, इसमें क्या और परिवर्तन लाने चाहिए. वो कह सकते हैं कि अपने सिर्फ वॉइस को वहाँ रेज कर सकते थे, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव या उसमें वोट आप नहीं डाल सकते थे. तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको बोलने का तो अधिकार दे दिया, लेकिन आपको बोलने से कोई फायदा होगा नहीं. लेकिन आने वाले समय में ये प्रोविजन बहुत इन्फ्लुएंस किया, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी, अगर कोई चीज़ को क्रिटिसिज्म आप करते हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल और फैक्टर प्ले होता है इन फ्यूचर. तो बजट का ये जो प्रावधान था कि आप उस पर ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, ये सबसिक्वेंट ईयर में आने वाले समय में जो है, ठीक है, आने वाले समय में इस पर कंसिडरेशन में रखा गया कि क्यों ना इस पर वोट डाला जाए, क्यों ना जो मेंबर्स के द्वारा कुछ कहा जा रहा है उसे इंक्लूड किया जाए. ठीक है, तो कुड हैव इन्फ्लुएंस ऑन द बजट इन द सबसिक्वेंट ईयर, नॉट ऑन द बजट ऑफ द ईयर अंडर कंसिडरेशन. जिस साल में बजट डिस्कस हो रहा है, उस बजट के प्रावधान में तो कोई अब बदलाव नहीं किए जा सकते, लेकिन अगले साल जब बजट बनाए जाएंगे तो शायद अभी जो कहा गया है, अभी जो बोला गया है, उन प्रावधानों को आने वाले समय में इंक्लूड करने की बात कही जाती थी, मतलब फुसलाने का बात कहा जाता था, ताकि भारतीय लोग का जो है मन बहल जाए, संतुष्ट हो जाए. प्रकार से मेंबर्स अलाउड टू पुट क्वेश्चन ऑन इंटरनल मैटर, और मेंबर्स को इंटरनल मैटर क्वेश्चंस पूछने का अलाउ था, उसे अलाउ किया गया. सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट अलाउड, मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं
और आपको फिर उत्तर में जवाब मिलता है, एक प्रकार से कह सकते हैं काउंटर क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। आपने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, आपको जो उत्तर उत्तर मिल गया, जो आंसर अंग्रेजों के द्वारा मिल गया, उसे आप सेटिस्फाई हो या ना हो, यू कैन नॉट अगेन आस्क अ काउंटर क्वेश्चन, आप जो है फिर से काउंटर क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। इन स्पाइट ऑफ दिस लिमिटेशन, यद्यपि इतने बाध्यताओं, इतने लिमिटेशंस, इतनी सीमाओं को होने के बावजूद भी, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट इनोवेशन बिकॉज इवन इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स टिल दैट टाइम क्वेश्चंस आवर हैड नॉट फुली इवॉल्व। यह एक महत्वपूर्ण इजाद था, इनोवेशन था, क्योंकि उस कार्यकाल में, मतलब 1800 या फिर 19वीं सदी में, ब्रिटिश जो हाउस था वहाँ भी एक एम्पायर बेस्ड था, वहाँ भी फुली डेमोक्रेसी आज की तरह लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, और वहाँ भी क्वेश्चन आवर अभी तक नहीं आया था। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि काउंटर क्वेश्चन हमें नहीं पूछने दिया गया था, क्योंकि जो लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक की जो आइडियोलॉजी है वो एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। हालांकि गणतंत्र की जो आइडियोलॉजी है ये भारत की बहुत ही एशियंट और प्राचीन सभ्यता से मिलती है, जैसे लिच्छवी प्रदेश वगैरह हो गए, जनपद पर वगैरह हो गए, लिच्छवी वगैरह में, वहाँ कह सकते हैं कि पहले गणतंत्र की स्थापना की गई थी, प्राचीन भारत की सभ्यताओं में ये देखने को मिलता है। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो उस वक्त ब्रिटेन में भी क्वेश्चन आवर नहीं था, इसलिए इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो दिस एक्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड, और इस एक्ट को जो है क्रिटिसाइज किया गया था बहुत लोगों के द्वारा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि आपको बोलने का अधिकार दे दिया, आप वोट नहीं डाल रहे, आपकी जो है इंडियंस की मेंबर जो है माइनॉरिटी में है। तो एट द 1892 एंड 1893 सेशंस ऑफ द इंडियन कांग्रेस बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन नॉट बीन इंट्रोड्यूस। देखिए, मेंबर्स जो है मैंने पहले बताया नॉमिनेट किए जाते थे, उनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता था, इन द सेंस कि अंग्रेज जिसे चाहे उसे नॉमिनेट करके, जो अंग्रेजों का चापलूस होता था उसे नॉमिनेट करके वो काउंसिल में भेज देते। तो वो सही तरीकों से जो रिप्रेजेंटेटिव अपनी बातों को, अपनी जनता की बातों को वहाँ रखता है, जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा में जो चुन कर जाते हैं उन्हें अपने लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, भाई लोगों ने चुन कर भेजा, हम लोगों की बात वहाँ रखें। बट राज्यसभा में कह सकते हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर द, कह सकते हैं ना कि सिटीजन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसीज। तो वो सामान्य जो जनता के लिए जवाबदेह ही नहीं होते थे, जो अंग्रेजों का चापूस वगैरह या फिर जो एकदम वेस्टर्न से पढ़कर आते थे लंदन से या कहीं से भी बाहर से, उन्हें अधिक जो है उसमें वरीयता दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इस चीज को देखते हुए आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करने की वजह से कांग्रेस के अधिवेशन में इसे क्रिटिसाइज किया गया था, इसकी आलोचना की गई। बट इनेबल मेनी ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर लाइक गोपाल कृष्ण गोखले, लाल मोहन घोष, सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता टू इंटर लेजिस्लेशंस। और बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादियों का ऐसा मान्यता था कि चलो पहले से तो कुछ अपेक्षाकृत अच्छा हुआ, पहले जो कुछ अधिकार नहीं थे, पहले अंग्रेज जो है लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में नहीं थे, अब उन्हें शामिल होने का तो मौका मिल रहा है। मतलब एक कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ भला। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इससे अपेक्षा करें, आपके पास अगर 5 रुपये है तो वो ही बहुत कुछ है। किसी एक व्यक्ति के पास एक भी पैसा नहीं है और किसी एक व्यक्ति के 5 रुपये है, तो उस व्यक्ति से तो अपेक्षाकृत वो अच्छा है जिसके पास कुछ है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यही कहा गया नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा कि जैसे गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह आगे जाके इसके मेंबर्स बनते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, कि चलो नहीं कुछ हुआ लेकिन गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी थी कि आखिर हम वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सके, वहाँ अपने वॉइस को रेज कर सके, जैसे बजट वगैरह में, फिनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह में बात अपनी रखने का मौका दिया जाता था। तो टुक एडवांटेज ऑफ ईच अपॉर्चुनिटी, तो जो भी अवसर मिल रहे हैं उससे आप जो है उसका एडवांटेज लो, उसका जो है कह सकते हैं एडवांटेज इन द सेंस कि जो भी अवसर और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं उसका फायदा उठाओ, एंड पुट फॉरवर्ड द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, और जो भारतीय लोगों का पक्ष है उसे अब जो है सामने रखने की ज़रूरत है, अंग्रेजों को यह बताने की ज़रूरत है कि देखिए भारत के लोगों का यह विचार है, यह मत है इस कोई भी टॉपिक पे,
कोई भी चीज़ों पे, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को, या फिर भारत के लोग क्या चाहते हैं और यह कैसे हो सकता है जब वहाँ इंडियन अपनी बातों को प्रखर रूप से रखें। एक्ट सेटिस्फाइड द एस्पायरेशन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। जो उस वक्त के नेशनलिस्ट लीडर्स थे उसे ये एक्ट बहुत जो है हदों तक जो है सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है, क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक जो है एक रिफॉर्म है, एक परिवर्तन है। ऑफ 1892 टू 1920 नेशनलिज्म 1892 से 1920 तक जो राष्ट्रवाद था उसमें जो है कुछ हद तक आगे हम देखिए क्या है कि द इंटर वॉर ईयर्स वन बिकॉज ऑफ 1894 टू 1900 जेंडर फॉर द काउंसिल रिफॉर्म वर नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन द एजेंडा ऑफ दिस सेशन। इंटर वॉर ईयर वन जो था या फिर 1894 से 1900 तक जनरल काउंसिल की के अंतर्गत जो है रिफॉर्म को लाना, बदलाव को लाना या कांग्रेस के एजेंडा में नहीं था, ठीक है, या प्रखर रूप से इससे इस बारे में उनका कोई कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा नहीं था। हाउएवर इफेक्ट वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो भी था अंग्रेजों के द्वारा अगर यह लाया गया इसके इफेक्ट्स और इसके बदलाव जो था वह कह सकते हैं कुछ ही समय तक टिक पाया। बिकॉज सेम ईयर सॉ फर्स्ट स्टारिंग ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड बाई 1904 द कांग्रेस अगेन डिमांडिंग अ फर्दर बिग डोज ऑफ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। देखिए 1904 आते आते जो एक्सट्रीमिज्म थे, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म मतलब दो प्रकार की विंग होती थी कांग्रेस में, एक मॉडरेट जो प्रेयर और पिटिशन करती थी, एक एक्सट्रीमिस्ट जैसे लोकमान्य तिलक की तरह कि अंग्रेजों से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करो, आंदोलन करो, सत्याग्रह करो, पूरा का पूरा एकदम हड़ताल कर दो, कह सकते हैं बाइकॉट करो, नॉन कॉर्पोरेशन करो, एक प्रकार से अंग्रेजों से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो एक्सट्रीमिज्म जो है बढ़ रहा था धीरे धीरे 1904 में यह देखने को मिलता है। ऑन द कांग्रेस अगेन डिमांडिंग अ फर्दर बिग डोज ऑफ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, और कांग्रेस जो है फिर से यह लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से इसकी मांग करने लगी कि किस प्रकार से लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए और हमें या फिर कांग्रेस को या भारतीयों को क्यों जरूरी है, ताकि इसमें अधिक से अपने रिप्रेजेंटेशन को भेज सके, अधिक से अधिक जो है इलेक्शंस को लाया जा सके, ताकि भारतीय लोग जो है अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को अंग्रेजों के समकक्ष में रख सकें, उनकी अपनी मांगों को रख सकें, अगर रख सकें अपने वॉइस को रेज कर सकें, इंडियंस की जो सफरिंग है, जो दुख है, उसको हम सभी को, सभी की बातों को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिप्रेजेंट कर सकें। आज के लिए इतना ही, आज के क्लास को हम यहीं समअप करते हैं। आगे चलकर जितने भी काउंसिल्स एक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं, या फिर जैसे जैसे राष्ट्रीयता या फिर राष्ट्रप्रेम का उदय होता है और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह आते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ठीक है। कोई क्वेरीज, कमेंट्स, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। Thank you once again. Have a great time.